झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस के पहले तक कर लिया जाएगा। अगले सप्ताह तक इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। 6 महीने में नगर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे, ये बात मीडिया रिपोर्ट्स के तहत सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ झामुमो के वैसे नेता को दी जाएगी जो विधायक पद पर नहीं है, क्योंकि पिछली बार गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित था, मगर अधिकारियों ने लाभ का पद होने की बात कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बता दें, आयोग के अध्यक्ष को जेपीएससी अध्यक्ष के तरह ही तमाम सुविधाएं और वेतनमान दिए जाते हैं। इसके बाद अब सरकार की ओर से झामुमो के किसी वरिष्ठ ओबीसी नेता को अध्यक्ष पद देने का विचार किया जा रहा है। आमतौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के पद के लिए न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को बिठाने की परंपरा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहती है। आयोग के अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही रहेगा। वही खबर है कि पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाम भी मांगे थे, जिसमें नाम की अनुशंसा पार्टी द्वारा भेज दी गई है। पूर्व के प्रस्ताव के तहत सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश और झामुमो के नंदकिशोर मेहता का नाम तय है। आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस लोकनाथ प्रसाद थे, जिनका इसी साल जनवरी महीने में निधन हो गया। उसके बाद से ये पद खाली है। आयोग में अभी सदस्य भी नहीं है। फिलहाल आयोग में एक सदस्य सचिव और एक अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी ही कार्यरत है। इसके वजह से राज्य में नगर निकाय चुनाव अटका पड़ा है। राज्य के 48 नगर निकाय 30 अप्रैल के बाद से जनप्रतिनिधि के बिना ही चल रहे। इसके साथ ही जनता के वोटों से चुने गए मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और वार्ड काउंसिलर अधिकार विहीन हो गए हैं। वर्तमान समय में राज्य के सभी नगर निकाय अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। अगले नगर निकाय चुनाव कब होंगे, ये फिलहाल तय नहीं है। इसे लेकर बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निकाय और रांची नगर निगम का चुनाव जल्द से जल्द कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त न करने और चुनाव अटके रहने को लेकर फटकार भी लगाई। वहीं आयोग में अध्यक्ष की कब तक नियुक्ति होगी, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी, इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि जानकारी नहीं देने की स्थिति में कार्मिक सचिव को अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा। इससे पहले प्रार्थी पूर्व पार्षद रोशनी खलको व अन्य की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रांची नगर निगम और राज्य में नगर निकाय का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। प्रशासक नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है। जब तक चुनाव नहीं होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशासक के बजाय निकाय प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं सरकार ने अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा कि 6 महीने में राज्य में नगर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 8 नवंबर के लिए तय की गई है। आपको बता दें कि 26 जून को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी। इनमें से एक नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी था, जिसे सरकार ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट में तय किया गया था कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा, जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, मगर क्या सच में नगर निकाय चुनाव कुछ 6 महीने में कराना संभव है, इस पर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें और हमारे लोकतंत्र 19 के चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।